22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में बन रहा राम मंदिर भव्य आकार ले रहा है। मंदिर लगभग बनकर तैयार है। मंदिर अंदर से कैसा दिख रहा है इसकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। तस्वीरों में मंदिर के अंदर की भव्य नक्काशी दिखाई दे रही है। नागर शैली में बन रहे मंदिर में राम भक्तों के लिए आस्था का केंद्र भी है, साथ ही स्थापत्य कला की नई नजीर भी है। नई तस्वीरों में राम मंदिर के गर्भगृह में शानदार नक्काशी नजर आ रही है। मंदिर की छत की तरफ आप देख रहे हैं तो गोलाकार आकृति में बने हुए मंडप की तस्वीर, जिसमें कमल पुष्प की पंखुड़ियां दिखाई दे रही हैं, पूरी तरीके से सज धज कर ये मंडप तैयार है भक्तों के लिए। आज मंदिर ट्रस्ट की ओर से कुछ तस्वीरें जो शेयर की गई हैं वो वाकई में बड़ी ही खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अनुष्ठान अयोध्या में होने जा रहा है। हर राम भक्त को भगवान राम के आने का इंतजार है। उसके पहले यहाँ आज से रामोत्सव की शुरुआत हो गई है। 76 दिनों तक चलने वाले इस भव्य आयोजन में दुनिया भर से 35,000 कलाकार आएंगे, अपनी प्रस्तुतियां देंगे। राम कथा से रामोत्सव का भव्य आगाज हुआ है। देश के 11 बड़े कथावाचकों के मधुर वचन सुनने का मौका यहाँ पर मिलेगा। अहमदाबाद में ध्वज दंड आज अयोध्या पहुंच चुका है। अहमदाबाद से अब ये ध्वज दंड इस राम मंदिर की शोभा को बढ़ाएगा। पूरी अयोध्या नगरी श्री राम के जयकारों से गूंज रही है।